ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा एडवर्ड हेली की थ्योरी कि साउथ वेस्ट मानसून यानी कि समर मानसून कैसे आता है। अब हम देखते हैं इंडिया में समर जा चुका है और विंटर आया, विंटर आया यानी अब जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल है और इंडिया से सन काफी दूर जा चुका है, साउथवर्ड हो चुका है सन। तो ऐसी परिस्थिति में जब विंटर है यानी जनवरी का सीजन है इंडिया में, तो ऐसी स्थिति में जो ये लैंड है ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और उसके रिलेशन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में जो वाटर बॉडीज है ये रिलेटिवली गर्म बने रहते हैं, यानी इसके ठंडे होने के कारण अब जहां पर पहले समर में लो प्रेशर था अब वहां हाई प्रेशर बनेगा और यहां अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में अब रिलेटिवली लो प्रेशर होंगे और जैसे ही हाई प्रेशर लो प्रेशर का पैटर्न समर की तुलना में विंटर में बदला, वैसे विंड का पैटर्न बदल जाएगा और अब विंड कैसे चलेंगे, लैंड से सी की ओर, लैंड से सी की ओर इस तरीके से, ठीक है। तो यहां भी जो आगे लैंड है लैंड से सी की ओर इस तरीके से विंड चलेगी। तो हमने क्या देखा कि समर में जो विंड है वो ऐसे चलती थी और विंटर में विंड ऐसे चलती है। विंटर के में जो विंड का ये पैटर्न है, इस पैटर्न को जो हेली है उन्होंने कहा कि ये विंटर मानसून है और समर में जो विंड ऐसे रहती थी उनको उन्होंने बताया समर मानसून है। तो एडमंड हेली का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो है कि सीजन बदलने के साथ लैंड और वाटर बॉडी अलग अलग रेट से गर्म होते हैं जिसके कारण कहीं पर हाई प्रेशर बनता है, कहीं पर लो प्रेशर बनता है और विंड हाई से लो का पैटर्न फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में बहती है और इस प्रकार से समर में एक तरफ विंड बहती है और विंटर में दूसरी तरफ विंड बहती है और रिजल्टेंटली मानसून की उत्पत्ति भारत में हो जाती है। यदि हम हेली की थ्योरी को देखें तो हमें समझ में आएगा कि हेली ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वास्तव में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का थोड़ा सा मॉडिफाइड और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है। अंतर क्या है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज एक रीजनल फिनोमेना है, रीजनल माने छोटे से जगह पर होती है जैसे मुंबई के तटीय क्षेत्रों में, चेन्नई में, ऐसे तटीय क्षेत्रों में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की घटना होती है। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, दिन में लैंड ज्यादा गर्म होता है उसके बाजू में, जैसे मान लीजिए एक कोस्टल एरिया है और यहां पर सी है, ये पूरा लैंड मास है, तो दिन में ये गर्म हो जाता है, ये उसके रिलेटिवली ठंडा रहता है, यानी ये जब गर्म है यानी यहां लो प्रेशर है और यहां हाई प्रेशर है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहेगी और दिन में जो है दिन के समय सी ब्रीज चलेगी, माने सी से ब्रीज, सी से हवाएं लैंड की ओर बहेंगी, इसको कहा जाता है सी ब्रीज। जब हम उल्टा करते हैं रात में, तो रात में ये ठंडा हो जाएगा यानी यहां हाई प्रेशर, ये रिलेटिवली गर्म बना रहता है यानी यहां लो प्रेशर, और अब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलेंगी रात में, तो रात में लैंड ब्रीज, दिन में सी ब्रीज। इस पूरे अब ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये रीजनल बहुत छोटे से जगह पर हो रहा है, लेकिन मानसून एक बहुत बड़े जगह में हो रहा है, लेकिन ये भी एक प्रकार का लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है जो दिन और रात के जगह पर एक एक सीजन तक उसको एक्सपेंड किया गया है, यानी एक सीजन में विंड, अब यहां देखिए लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, एक तरीके से विंड रिवर्सल हो रहा है ना, दिन में ये वाला पैटर्न पाया जा रहा है, रात में ये वाला पैटर्न, विंड रिवर्सल हो गया। उसी प्रकार एक बहुत बड़े एरिया में जब विंड रिवर्सल सीजन के अकॉर्डिंग हो तो मानसून बन जाती है, यानी एडमंड हेली का ये थर्मल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लैंड और सी ब्रीज का एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक बड़े वाले एरिया में जब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज सीजन के अकॉर्डिंग बनने लगते हैं तो वही एडमंड की कॉन्सेप्ट बन जाता है और इस कॉन्सेप्ट में हम समझ चुके हैं कि कैसे मानसून आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एडमंड हेली का थर्मल कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया। अब हम दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, जिसको 1946 में फ्लोन ने दिया। अब आप देखिए 1946 यानी 1686 के बाद 1946, काफी एक लंबे समय बाद, जो लगभग 250 साल बाद ये थ्योरी जो है दी गई। तो ये वाली थ्योरी है ये काफी एडवांस है और ये थ्योरी क्या कहती है, ये आईटीसीजेड थ्योरी कहती है। हम लोग इस थ्योरी को समझे उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं आईटीसीजेड क्या है। इक्वेटर हम जानते हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री,
इक्वेटर के दोनों तरफ विंड्स आती है, क्योंकि इक्वेटर इधर 25-30 डिग्री में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, इधर भी सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 25 से 30 डिग्री के आसपास, ये भी 25 से 30 डिग्री के आसपास, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, और यहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पहले पढ़ चुके हम लो प्रेशर बेल्ट। अब ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, विंड हमेशा हाई से लो में बहती है, कोरियोलिस फोर्स लगता है, फैरेल के नियम लगते हैं, और इन सब के कारण यहां पर इस प्रकार से विंड बनी। अब ये जो विंड है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और इधर ये जो विंड है इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इस प्रकार से विंड बहेगी, ये विंड तिरछी क्यों बह रही है ये सब हम लोग विंड सिस्टम में समझ चुके हैं, फैरेल का लॉ लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है, ये सब। इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये दोनों विंड इक्वेटर के पास आकर के मिलती है, एग्जैक्टली 0 डिग्री पर नहीं मिलती, इक्वेटर के पास, यानी लगभग हम मोटा मोटा मान ले 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच का एक ये रीजन है। इस पूरे रीजन को हम डोल्डम कहते हैं। डोल्डम क्यों कहते हैं? डोल्डम का मतलब होता है ये शांत क्षेत्र है, यहां सरफेस पे कोई विंड नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये बहुत गर्म क्षेत्र है, यहां से विंड आई, दोनों विंड 5 डिग्री के आसपास, इतना गर्म होता है सरफेस कि विंड वहां पर आती है और आकर के गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती है, और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है ये विंड लेस होता है एक प्रकार से, यहां पर कोई विंड नहीं होती, लेकिन विंड होती है सरफेस पर जो कि वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, यानी ये जो क्षेत्र है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, इसका ये क्षेत्र है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को कहा जाता है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम यानी शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र का मतलब काम रीजन, जहां पर सरफेस में कोई विंड नहीं बहती। सरफेस पर कोई विंड क्यों नहीं बहती? क्योंकि दोनों तरफ से विंड आ रही है और ये इतना गर्म है कि यह विंड यहीं से गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती है, और सरफेस पर कोई विंड नहीं होती। लेकिन ऐसा होता कि यहां पर बिल्कुल भी विंड नहीं होती यदि पूरा इक्वेटोरियल बेल्ट, पूरा इक्वेटोरियल बेल्ट आइसोट्रोपिक होता। आइसोट्रोपिक माने या तो सभी जगह पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते, या सभी जगह रिवर होते, या सभी जगह माउंटेन होते, या सभी जगह प्लेट्यू होते, या सभी जगह प्लेन्स होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा इक्वेटोरियल बेल्ट में रीजनल कुछ हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्षेत्र इसके अंदर बनता है, और जिसके कारण यहां पर बहुत धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से विंड वेस्ट टू ईस्ट बहने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल वेस्टर्लीज, यानी इक्विटोरियल रीजन में हल्की हल्की सरफेस पर ये वाली विंड बहती है, जिनको हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्यों? क्योंकि कोई भी विंड जो वेस्ट से बहती है उसको वेस्टर्ली बोलते हैं, वो कहीं भी बहे उसको वेस्टर्ली कहा जाता है। वेस्टर्ली यानी हमेशा आपको ये ध्यान रखना कि 40 डिग्री के आसपास बहने वाली विंड ही वेस्टर्ली कहलाती है। तो ये इक्विटोरियल वेस्टर्लीज विंड है, डोल्ड्रम में बहुत धीमी गति से बहती है, इतनी धीमी गति से कि इनका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो ये कहलाती है। ओके, है कुल मिलाकर तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का ये जो पूरा बेल्ट है, इसी बेल्ट को हम कहते हैं आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड। ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, तो हमने आईटीसीजेड समझ लिया क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे समझते हैं कि आईटीसीजेड की थ्योरी जो फ्लोन ने दी है वो कैसे मानसून में हेल्प करता है और कैसे मानसून को ओरिजिनेट करता है। चलिए देखिए, यदि ये हम देखें, ये अर्थ है और इस अर्थ में बहुत सारे नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। ये इक्वेटर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। तीन प्रकार की बेल्ट बनती है, चार प्रकार की बेल्ट बनती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 25 से 30 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में सब पोलर हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 80 से 90 डिग्री के बीच में।
तो ये प्रेशर बेल्ट है और इसको कहते हैं इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, पहले पढ़ चुके। अब यही इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में आईटीसीजेड है। आईटीसीजेड क्या है, आप समझ चुके हैं, एकदम गर्म क्षेत्र है, इतना गर्म कि यहां पर विंड आती है दोनों तरफ से, ऊपर उठ जाती है। जब सन नॉर्थ में जाता है, जब सन नॉर्थ में जाता है तो ये सारे प्रेशर बेल्ट स्टेटिक नहीं है। सन के नॉर्थ में जाने से ये सारे बेल्ट के नॉर्थ में खिसक जाते हैं और सन के साउथ में आने से ये सारे बेल्ट भी साउथ में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सन तो नॉर्थ साउथ में जाता नहीं, इसलिए इसको कहते हैं सन की अपेरेंट मोशन। यानी जब तुम अर्थ रोटेट कर रही हो तो जब सन अपेरेंटली नॉर्थ में आता है तो ये सारे बेल्ट ऊपर खिसक जाते हैं। यानी हमारा ये इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये खिसक के यहां आ जाएगा, ये खिसक के यहां आ जाएगा और ये खिसक के यहां आ जाएगा और पोलर बेल्ट में ही रहेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने आपको दिखाई है ये जब सन नॉर्थ में हो जाता है, जब सन साउथ में आ जाता है तो ये सारे बेल्ट साउथ में खिसक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सन के नॉर्थ में और सन के साउथ में आने से आई टी सी जेड भी उसी प्रोपोर्शन में नॉर्थ और साउथ में खिसकता है। जब मैं इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूं, ये मान लीजिए ये इस प्रकार से इंडिया, ये 0 डिग्री। अब डेट याद रखना है 21 मार्च, 21 मार्च को सन इक्वेटर पे है, एक महीने बाद 8 डिग्री पे आ जाएगा, एक महीने बाद 16 डिग्री पे आ जाएगा और एक महीना बाद यानी जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। अब जब सन वर्टिकल है इक्वेटर पर तब आईटीसीजेड भी यहां पर है, यानी यहां पर ये मैं बना देता हूं दो लाइन, ये बन गई आईटीसीजेड, ये हमारी आईटीसीजेड। 21 मार्च को आईटीसीजेड इक्वेटर पर है, जब सन नॉर्थ पे आएगा तो ये प्रेशर बेल्ट खिसकेंगे और प्रेशर बेल्ट जब खिसकेगा तो आईटीसीजेड भी खिसकेगा और उस समय आईटीसीजेड कहां आ गया, एक महीने बाद प्रेशर बेल्ट 8 डिग्री खिसकेगा तो सन 8 डिग्री यहां खिसक गया, तो आईटीसीजेड भी कहां आ गया, यहां आ गया। फिर एक महीने बाद आईटीसीजेड कहां आ गया, यहां आ गया। फिर एक महीने बाद आईटीसीजेड कहां आ गया, यहां तक बात समझ आई। यानी सन के नॉर्थ में जाने से सन जैसे जैसे नॉर्थ में जाएगा प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ खिसकेंगे और उसी प्रोपोर्शन में आईटीसीजेड भी नॉर्थ की तरफ खिसकेगा। यहां तक क्लियर होगी कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन ये आईटीसीजेड जैसे जैसे उत्तर जाएगा नॉर्थ की तरफ जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि यहां पर तो आईटीसीजेड हमने क्या बनाया है, एकदम सीधी रेखा। क्यों? क्योंकि यहां इक्वेटर के आसपास लैंड जो है वो कम है और ओशन ज्यादा है। लेकिन 8 डिग्री के आसपास जैसे ही आईटीसीजेड आता है तो आईटीसीजेड इस प्रकार से एकदम सीधी ना होकर के थोड़ी तिरछी हो जाती है। यानी हमारी जो आईटीसीजेड है अब वो आईटीसीजेड इस प्रकार की हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है समझिए, जैसे जैसे सन नॉर्थ की तरफ आते जा रहा है हमारे इंडिया के सदर पार्ट में गर्मी बढ़ती जा रही है। यानी यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और सन सराउंडिंग सी पे टेम्परेचर कम है। तो ये वास्तव में जो आईटीसीजेड की मैंने लाइन खींच रहा हूं ये आइसोथर्म लाइन है। आइसोथर्म लाइन क्या होते हैं, सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लें ऐसे और मैं बोलूं कि ये 20 डिग्री का आइसोथर्म है, इट मींस इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं सभी जगह पर टेंपरेचर 20 डिग्री है। यानी यहां भी टेंपरेचर 20 डिग्री है, यहां भी टेंपरेचर 20 डिग्री है, यहां भी टेंपरेचर। क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं है, क्योंकि यहां पर वाटर वो है, यहां पर वाटर है, यहां लैंड है। तो जहां लैंड है वहां टेंपरेचर वास्तव में 20 डिग्री ना होकर कितना होगा, 22 डिग्री होगा। बस समझ आ रही है? तो इसके कारण ये जो हमारी आइसोथर्म रेखा है वो थोड़ी ऊपर की मुड़ जाएगी। कुल मिलाकर के जैसे जैसे आईटीसीजेड नॉर्थ की तरफ खिसकेगा वैसे वैसे हमारा आईटीसीजेड नॉर्थ की तरफ खिसकता जाएगा, लेकिन आईटीसीजेड स्ट्रेट
करके टिल्ट करता जाएगा। उसका रीजन क्या है? लैंड और जो सी है और लैंड है उनकी डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक उसी प्रकार जो हमारा मार्च है, अप्रैल में आई की सीजन यहां आ गया, मई में ये आई की सीजन थोड़ा और मुड़ जाएगा, यानी जितना पहले मुड़ा था उससे ज्यादा मुड़ेगा क्योंकि लैंड एरिया ज्यादा हो गया है। उसी प्रकार यहां पर जो आई की सीजन है ये लैंड में तो 23.5 डिग्री के आसपास ही रहेगा, ओशन में तो 23.5 रहेगा, लेकिन इस तरीके से ये बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाता है क्योंकि अब यहां पर लैंड एरिया और ज्यादा हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो जैसे जैसे सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये आप देख रहे हैं मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जून है, ठीक है, और 21 जून को सन आ जाती है कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा आईपीसीजे वाटर में तो वो 23.5 ही रहेगा, लेकिन लैंड एरिया में टेम्परेचर एनोमली के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो जो है वो ऐसे सेट हो जाएगा। तो ये आईपीसीजे खिसक सकता है। अब फ्लोन ने क्या बताया कि जैसे जैसे आईपीसीजे, अब आईपीसीजे में आपको पहले बता दूं आईपीसीजे वो बाउंड्री है जहां एक तरफ से नॉर्थ ईस्ट विंड आ रही है, दूसरे तरफ से साउथ ईस्ट विंड आ रही है, ध्यान समझिए। यानी अगर जब आईटीसीजे यहां है तो इसके इधर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और इसके इधर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। ये आईटीसीजे जैसे जैसे खिसकेगा हमेशा उसके नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रहेगी और साउथ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड रहेगी। लेकिन जैसे ही ये वाली विंड जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है इक्वेटर को पार करेगी, कोरियालिस फोर्स और फेरल का लॉ बदल जाएगा। फेरल का लॉ क्या कहता है? यदि कोई विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वह अपने रास्ते में अपने जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके राइट हैंड पे मुड़ती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड पे मुड़ती है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में यदि कोई विंड, यहां मान लीजिए हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, अब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चली, विंड हमेशा सीधी नहीं बहती, हम हमेशा विंड को तिरछा बनाते हैं। तिरछा क्यों बनाते हैं? क्योंकि पृथ्वी हमेशा रोटेट कर रही है, उस रोटेट करने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल या कोरियालिस फोर्स उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर यानी कि विंड पर लगता है। तो फेरल ने इसके लिए एक नियम बनाया है कि जो विंड है ये अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, दाहिने तरफ माने ये विंड वास्तव में ऐसे ना जा करके ऐसी जाएगी, ये फेरल का लॉ है। उसी प्रकार यदि यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, हम सदर हेमिस्फीयर में आ गए तो विंड ऐसे नहीं बहेगी, वो अपने लेफ्ट हैंड में मुड़ जाएगी। अब कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां हो जाएगा? यहां पर, ठीक है। तो ये फेरल का नियम है। उसी फेरल के नियम को जब हम अप्लाई करते हैं कहां पर, अब ये जो आईटीसीजे है ये आ गई यहां, यहां आ गई यानी इक्वेटर को पार कर गई, 8 डिग्री पे आ गई, 8 डिग्री नॉर्थ पे। तो हमारे इस यहां तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बह रहा है, हमेशा याद रखिए आईटीसीजे के नॉर्थ में हमेशा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बहेगा, साउथ में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बहेगा, लेकिन इक्वेटर को पारना है और जैसे इक्वेटर को पार करेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ ईस्ट नहीं रह जाएगा, ध्यान रखिए। अब मान लीजिए इक्वेटर है 0 डिग्री, जैसे अब नॉर्मली यहां पर कौन सी विंड बहती है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ध्यान रखिए। लेकिन जब ये आईटीसीजे 8 डिग्री पे चला जाएगा तो ये विंड भी आगे बढ़ जाएगा। अब जब ये विंड आगे बढ़ेगा तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर को पार करने के बाद भी ये विंड क्या ऐसी बहती रहेगी? नहीं। फेरल का नियम कहता है जैसे ही विंड हो या कोई भी चीज हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आएगा तो वो अपने एक्चुअल बेसिस जो उसका रूट है उससे वो धीरे 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 करके दाहिने तरफ उड़ना शुरू कर देगी। फेरल का नियम है, हमेशा याद रखिए। तो ये विंड जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जैसे ही इक्वेटर को पार करेंगी इनके डायरेक्शन में हो जाएगा चेंज। चलिए डायरेक्शन अब चेंज, और ये अब ऐसे ना बहके, पहले तो धीरे 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 ऐसे होगी,
यानी ये विंड, ये वही विंड है लेकिन पहले साउथ में थी, जैसे ही इक्वेटर को पार किया इनका जो डायरेक्शन है वो फैरेल के नियम का पालन करते हुए कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे होते हैं। और जब ऐसे हो गई तो इनका डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चल रही है अब ये, और इन विंड को हम कहते हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। बात क्लियर हो गई? तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जैसे ही इक्वेटर को पार करेंगी ये बन जाएंगी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, और अब ये जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है ये ऐसे बहेंगी। कब? अप्रैल में ये विंड और आगे बढ़ेंगी और ये विंड यहां से चलेंगी और ऐसे बहेंगी यहां तक। जून में ये विंड और आगे तक बढ़ेगी, जहां तक आईटीसीजेड होगा हमेशा आईटीसीजेड के उत्तर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और दक्षिण में अब साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बहना शुरू हो जाएंगी। यानी जैसे जैसे आईटीसीजेड आगे आता है इंडिया में बहने वाली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को जो कि लैंड से होकर सी की तरफ आती है उसको पीछे करते जाती है। ध्यान रखो अभी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थोड़ी देर पहले यहां बह रही थी, अब जब आईटीसीजेड यहां आ गए तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहां बहेगी, और जब ये यहां आ गए तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहां बहेगी। तो जैसे जैसे आईटीसीजेड नॉर्थ की तरफ खिसक रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को वो और नॉर्थ की तरफ पुश करते जा रही है, और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड जो कि वास्तव में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जो इक्वेटर को क्रॉस करने के कारण साउथ वेस्ट बन चुकी है, अब ये विंड उतनी लंबी दूरी तक जाएंगी जहां तक आईटीसीजेड जाएगा। तो जून में यही विंड अब कहां तक जाएंगी? एग्जैक्टली जहां तक हमारा आईटीसीजेड पहुंच चुका है, यहां तक। ये बात समझ में आ गई? ये जो छोटी वाली है अप्रैल में, फिर ये मई में, फिर ये जून में, ठीक? ओके। तो फ्लोन ने क्या बताया कि वास्तव में मानसून का जो ओरिजिन है वो आईटीसीजेड के समर में, जब इंडिया में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो समर में आईटीसीजेड क्रमशः नॉर्थ की तरफ खिसकता जाता है। आईटीसीजेड सिट्स नॉर्थवर्ड इन समर ड्यू टू एपरेंट मोशन ऑफ सन। When ITCZ shifts towards northward, the southeast trade wind, which earlier were flowing in southeast direction, crosses equator, becomes southwest wind and reaches up to where there is ITCZ. Is that clear? Now look here. Since these winds are moving over the water bodies, look here. They are originating from Bay of Bengal and Arabian Sea. And traveling thousands of kilometers of distance, acquiring moisture from the ocean or Arabian Sea, और बहुत सारा moisture Arabian Sea से ले लेती है। जब ये wind सागर के ऊपर से बहती है, अरब सागर के ऊपर से बहती है, तो लगातार evaporation हो रहा है water bodies में, उससे moisture ले लेती है। Moisture लेकर के जब ये wind आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर ये wind अभी आगे आपको समझाएंगे, वेस्टर्न घाट के डिफरेंट माउंटेन से, विंध्यन से, सतपुड़ा से, अरावली से, हिमालय से और भी बहुत सारे माउंटेन से जहां जहां टकराएंगी, टकरा करके ओरोग्राफिक रेनफॉल करती हैं, ये फ्रोन का कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से मानसून जो है आईटीसीजेड के खिसकने के कारण आता है। तो यदि क्वेश्चन बना दिया जाए कि मानसून इज नथिंग, मानसून एक क्वेश्चन बना दिया है मेंस में कि मानसून इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, एक्सप्लेन इट, यू कैन एक्सप्लेन इट व्हाइल इन दिस वे, गेट क्लियर? ओके, अब यहां पर ये तो हो गई समर मानसून की बात, यानी जब इंडिया में समर है तो इस प्रकार से जब ये विंड यहां पर बहती है तो बारिश करती है भारत में जहां जहां जाएंगी, इसको कहा जाता है समर मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक, अब सिंपली एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि यदि मैं सिंपली बात करूं, ये इंडिया है और इंडिया में हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये इक्वेटर है, ये 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 25 से 30 डिग्री, और यहां पर कौन सी विंड बहती है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड।
और इंडिया कहां से कहां है, इंडिया है 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक, यानी मोटा मोटा 8 डिग्री से 37 डिग्री में कौन सी विंड पाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट विंड। लेकिन इंडिया में जो मानसून आता है उसका नाम ही है साउथ वेस्ट मानसून। अब एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठता है, भाई इंडिया में तो नॉर्थ ईस्ट विंड बहते हैं, साउथ वेस्ट विंड कहां से आते हैं, तो वो साउथ वेस्ट विंड कहां से आई, उसका एक्सप्लेनेशन आईटीसीजेड थ्योरी में फ्रॉन ने दिया कि वास्तव में वो साउथ ईस्ट विंड है, इक्वेटर को पार करती है, साउथ वेस्ट बन जाती है, और आईटीसीजेड जैसे जैसे खिसकता है ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ये उत्तर की तरफ खिसकती जाती है। इज इट क्लियर। यानी जब 21 जून की स्थिति होती है इंडिया में तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ये नॉर्थ ईस्ट विंड कहां पहुंच जाते हैं, हिमालय के उस पार। बात समझ आ रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट विंड पूरी तरह इंडिया से बाहर हो जाते हैं और पूरी इंडिया में ये साउथ ईस्ट विंड इक्वेटर को पार करने के बाद जो साउथ वेस्ट बन चुकी है वही पूरे इंडिया में बहने लगती है। इसलिए इस समय जो विंड बहती है इंडिया में साउथ वेस्ट है और इसके कारण बारिश होती है और फिर ये सीजन बदलने के साथ विंड अपना डायरेक्शन भी चेंज करेंगी, इसलिए इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। यहां तक ही कहानी समझ में आ गई। चलिए ये था समर मानसून, या समर मानसून को ही साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप यहां ध्यान से देखिए सीजन चेंज हो गया। सीजन कैसे चेंज हो गया, अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है क्या था, समर था। अब यहां ध्यान से 21 जून को हमारी आईटीसीजेड यहां है, यहां क्यों है, क्योंकि हमारा सन यहां है, सन इक्वेटर में है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब 21 जून के बाद सन धीरे 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 साउथ में आएगा और एक महीने बाद सन आ जाएगा कहां पर, यहां पर, जहां पर ये है आईटीसीजेड है, यहां जाए और जैसे ही सन यहां आएगा, जरा इसको क्लियर कर लूं फिर इस पिक्चर को मैं आपको और बेहतर से समझा। अब यहां देखिए ये 21 जून को आईटीसीजेड यहां है, फिर आईटीसीजेड यहां आएगा, फिर आईटीसीजेड यहां आएगा और फिर आईटीसीजेड यहां जाएगा, उसके बाद में फिर आईटीसीजेड साउथ की तरफ चला जाएगा। 21 जून को आईटीसीजेड यहां है, साउथ वेस्ट विंड यहां तक आ रही थी, अब जून के बाद आएगा जुलाई और जुलाई में भी चूंकि आईटीसीजेड लैंड में बहुत अंदर तक घुस चुका है आप देख रहे हैं, तो वास्तव में जुलाई में भी आईटीसीजेड यहां नहीं आता बल्कि आईटीसीजेड इंडिया में पंजाब हरियाणा के एरिया में बना रहता है, काफी दूर तक बना रहता है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि ये जो आईटीसीजेड हमारा काफी अंदर तक घुस चुका है, तो जो जितना अंदर घुसा उसको वापस आने में उतना टाइम लगेगा। बात समझे, यानी 21 जून के बाद जब जुलाई आएगा तो जुलाई में हमारा आईटीसीजेड साउथ की तरफ खिसकना शुरू करेगा, क्योंकि सन भी साउथ की तरफ खिसकने लगा है, तो आईटीसीजेड मान लीजिए यहां आ गया, एक महीने बाद फिर आईटीसीजेड यहां जाएगा और यहां जाएगा। अब इसके पहले हमने क्या देखा कि जहां आईटीसीजेड होता है उसके नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट विंड, तो यहां भी जब आईटीसीजेड यहां होगा तो नॉर्थ ईस्ट विंड यहां बहेगी, देख रहे हैं आप, और जब सन यहां आ जाएगा एक महीने बाद तो नॉर्थ ईस्ट विंड यहां आ जाएगी, और फिर एक महीने बाद ये नॉर्थ ईस्ट विंड जो कि आगे से आ रही है ये यहां यहां तक आ जाएगी, कहां तक, इस वाले एरिया यहां ये और एक महीने बाद जब आई सीजन यहां आ जाएगा तो जो नॉर्थ ईस्ट विंड है आपको यहां तक आने लगेगी, देख रहे हैं आप, समझ में आ रही है बात, ये नॉर्थ ईस्ट विंड यहां और एक महीने बाद यानी जून के बाद यहां जुलाई, यहां अगस्त, यहां सितंबर, 21 सितंबर को सन आ जाएगा इक्वेटर पर और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, यानी अब इसके इधर नॉर्थ ईस्ट विंड और जो साउथ वेस्ट बह रही थी, यानी ध्यान रखिए जब आईटीसीजेड नॉर्थ में जाता है तो नॉर्थ ईस्ट विंड को पीछे ढकेलता जाता है और जब ये वापस आता है तो नॉर्थ ईस्ट उसी रफ्तार से इधर आने लगते हैं और ये जो साउथ वेस्ट वाली विंड थी उसको पीछे करने लगते हैं। तो साउथ वेस्ट विंड जून में यहां नॉर्थ ईस्ट है, बाकी पूरे में साउथ वेस्ट है। जून के बाद जुलाई, जब जुलाई आ जाएगा तो यहां तक नॉर्थ ईस्ट ट्रीटमेंट रहेगी और यहां से यहां तक साउथ वेस्ट रहेगा। अगस्त में इसके इधर तक नॉर्थ ईस्ट, इसके यहां तक साउथ वेस्ट, और सितंबर में जब सितंबर में आईटीसी यहां आ जाएगा तो पूरे साउथ
स्ट्रेट बिल साउथ वेस्ट स्ट्रेट बिल इक्वेटर को क्रॉस कर लेंगी और साउथ वेस्ट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको पूरी मैकेनिज्म कि जब आईटीसीजे आगे खिसकेगा नॉर्थ ईस्ट को पीछे कर देगा, जब आईटीसीजे बैक आएगा तो नॉर्थ ईस्ट वापस आता रहेगा और साउथ वेस्ट बैक में चला जाएगा। और इस प्रकार से जब विंटर आएगा तो विंटर में हम देख रहे हैं कि सारा विंड का पैटर्न ही बदल चुका है। और अब विंड जब साउथ वेस्ट मानसून हमने इसके पहले पढ़ा था तो विंड ओशन से होकर के लैंड में जा रही थी, मॉइस्चर लिए हुई थी इसलिए बारिश कर रही थी, उसको बोला गया साउथ वेस्ट मानसून या समर मानसून। जब ये नॉर्थ ईस्ट वाली विंड जब विंटर हो आएगी और विंटर में वो इस तरफ आएंगी तो जैसे जैसे वो इस तरफ आएंगी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रहेगा और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चूंकि लैंड से आ रही है कहीं उनको मॉइस्चर प्राप्त करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट विंड जब इंडिया में आती है तो इसको कहा जाता है विंटर समर या नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन इस मानसून से इस विंड से भारत में कहीं पर भी बारिश नहीं होती है। बारिश एक दूसरा मुद्दा है, हमारा मुद्दा यह है कि विंड में रिवर्सल क्यों होता है, 6 महीने विंड ऐसे चलती है बाकी 6 महीने विंड का डायरेक्शन बदल जाता है, क्यों बदलता है। दो थ्योरी हमने पढ़ ली, एडमंड हैली ने कहा लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग के कारण होता है, फ्लोन ने कहा आईटीसीजेड के कारण होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये दो थ्योरी आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको भी फ्लोन ने ही दिया। फ्लोन ने आगे चलकर के अपनी आईटीसीजेड थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया उन्होंने, कहा देखिए ये जो आईटीसीजेड होती है नॉर्मली ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक होती है, इसको बोलते हैं आईटीसीजेड। उन्होंने कहा कि ये जो आईटीसीजेड है चौड़ी पट्टी है उसके नॉर्थ वाले भाग को उन्होंने कहा नॉर्दर्न आईटीसीजेड और इस वाले साउथ वाली पट्टी को इस वाले भाग को उन्होंने कहा साउथ आईटीसीजेड। क्या लिखकर इसको समझ लें, क्लियर हो गया। ये पूरी आईटीसीजेड एक बैंड है, इसके नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्दर्न लिमिट को नॉर्दर्न आईटीसीजेड कहा जाता है, सदर्न लिमिट को सदर्न आईटीसीजेड कहा जाता है। कोई दिक्कत उसको समझने में, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब देखिए फ्लोन ने अपने थ्योरी को कैसे मॉडिफाई किया। फ्लोन ने यह कहा, ध्यान से समझिएगा, कोई नई बात नहीं है, छोटी सी बात। फ्लोन ने यह कहा कि वास्तव में उन्होंने जो पहली थ्योरी दी थी और उसके बाद उन्होंने दूसरी थ्योरी जो अपनी दी, उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में सन जब नॉर्थ में आता है तो इसके पहले उन्होंने बताया था पूरा आईटीसीजेड खिसकता है, पूरा आईटीसीजेड माने ये पूरी पट्टी खिसकती है, माने नॉर्थ आईटीसीजेड भी खिसकता है साउथ आईटीसीजेड यानी पूरी पट्टी खिसकती है। अब उन्होंने मॉडिफाइड थ्योरी में क्या कहा कि 21 मार्च को ये आईटीसीजेड है। अब उन्होंने नई थ्योरी में ये कहा, मॉडिफाइड थ्योरी उनका वही आईटीसीजेड वाली, कि वास्तव में जब सन नॉर्थ में जाता है तो साउथ वाली पट्टी नहीं खींच सकती, केवल नॉर्थ वाली खींच सकती है, यानी ये वाली जो साउथ वाली है ये तो अपनी ही जगह रहेगी, समझ में आ रही बात, और ये नॉर्थ वाली पट्टी 1 महीने बाद 8 डिग्री में आ जाएगी। ये मार्च में था, अप्रैल मई में ये वाली जो पट्टी है वो खिसक करके 16 डिग्री पे आ जाएगी और जून में खिसक के यहां, यानी ये नहीं खिसक रही है, ये खिसक रही है। अब उसका रीजन क्या है, ऐसे मंथ में आया और कह दिया ऐसा तो है नहीं, चलिए उसका कारण बताते हैं। ध्यान समझिए, आईटीसी जेट नॉर्मली कहां रहता है, इक्वेटर के पास 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। अब ये जो रेखाएं में खींचना हो आईटीसी जेट की नॉर्दर्न लिमिट, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, थर्मोलाइन आप समझते हैं, या आइसोथर्म का मतलब है समान टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखा। अब ये देखिए अगर हम पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बहुत ज्यादा है। सन जब नॉर्थ में आता है तो आईटीसीजेड का ये जो नॉर्दर्न वाली पट्टी है इस पे सन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और ये तेजी से जैसे जैसे सन नॉर्थ में जाता है वैसे वैसे इसका इंपैक्ट इस पे ज्यादा पड़ता है और ये खिसकता है। उसकी तुलना में जो साउथ वाली पट्टी है ये बहुत धीमे धीमे खिसकती, कारण पानी धीमे धीमे गर्म हो रहा है, लैंड बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, यानी ये आईटीसीजेड उस तरफ खिंचता है जिस तरफ गर्मी है, जिस तरफ गर्म ज्यादा है, तो लैंड ज्यादा गर्म है और जैसे ये आईटीसीजेड है
और यहां पर अभी टेम्परेचर पहुंचा रहा है, तो ये वाली पट्टी ज्यादा नॉर्थ में खिसके की ये वाली। अब आप खुद बताइए, मान लीजिए मैं पूरी पट्टी को यहां से उठा के यहां रख दूंगा, तो अभी भी नॉर्थ वाली अगर मान लीजिए नॉर्थ वाली अगर 5 किलोमीटर खिसकी है तो साउथ वाली 5 किलोमीटर ना खिसक के 3 किलोमीटर ही खिसकेगी। कारण ये वाली पट्टी वाटर पे है और ये वाली पट्टी लैंड पे है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो कुल मिला के फ्रोन ने अपने मॉडिफाइड थ्योरी में क्या कहा, उन्होंने कहा कि आईटीसीजेड दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब दो उसकी जो लिमिट होती है उनके लिमिट्स को दो भागों में बताया गया, नॉर्दर्न लिमिट को नॉर्दर्न आईटीसीजेड, सदर्न लिमिट को सदर्न आईटीसीजेड। मॉडिफाइड थ्योरी में उन्होंने कहा कि जब सन आता है तो वास्तव में पूरी आईटीसीजेड नहीं खिसकती तो पूरी है लेकिन ये बहुत धीरे धीरे खिसकती है, ये बहुत तेजी से खिसकती है क्योंकि ये जैसे जैसे ये ऊपर आएगी लैंड में आने लगती है, तो ये ज्यादा तेजी से खिसकती है, ये बहुत धीमी गति से खिसकती है। यानी जब ये 8 डिग्री खिसकती है तो ये 2 डिग्री खिसकती है। समझ में आ रहेगा? यानी जब ये आईटीसीजेड जो पहले यहां था, जब ये खिसक के यहां जाएगा तो नॉर्थ वाला तो 8 डिग्री में पहुंच जाएगा लेकिन साउथ वाला 0 पे था तो 0 से खिसक के 2 डिग्री पे जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये होना नहीं चाहिए। चलिए ध्यान से समझिए। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये नॉर्थ और साउथ, जो ये नॉर्थन आईटीसीजेड है और ये जो साउथ आईटीसीजेड है, तो आईटीसीजेड के बीच में क्या है? मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके बीच में बहुत धीमी धीमी हवाएं चलती हैं जिसको बोला जाता है क्या, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। सुने, यहां इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज विंड्स बहती हैं। अब ध्यान से देखिए, देखिए 21 जून सन कर्क रेखा पर लंबवत है और हमारी जो आईटीसीजेड है वो यहां पहुंच गई। आईटीसीजेड नहीं, आईटीसीजेड की नॉर्दर्न लिमिट, ये वाली पट्टी ये है और ये वाली पट्टी यहां कहीं पहुंच जाती है, यानी 0 डिग्री से होकर के 6-7-8 डिग्री के आसपास ये वाली पट्टी पहुंच जाती है। बस मैं यानी हमारा ये जो डोल्ड्रम है आईटीसीजेड है अब वो इस शेप में आ गया। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर? अब अगर ये और ये आईटीसीजेड है तो इसके बीच में क्या होगी? इसके बीच में विंड बहेगी, तो इसके बीच में ये वाली विंड बहेगी। ये कौन सी विंड है? ये पूरे एरिया में ये वाली विंड बहेगी। ये कौन सी विंड है? ये वाली विंड है ना, ये पूरी विंड इस रीजन में बहेगी। ओके, लेकिन ये विंड जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है या फिर जैसे जैसे ये विंड कहां आती है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ आती है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है कि कोरियालिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं कोरियालिस फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाता है। यानी ये वाली विंड जो सीधी बह रही है ये जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगी ये सीधी ना होकर के तिरछी होने लगेगी इस कोरियालिस फोर्स से। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये वाली जो विंड्स है ये वास्तव में ऐसे ना बहकर के ऐसे समर, और जब विंटर होगा तो फिर वही पुरानी वाली बात, ये वाली धीरे धीरे पीछे आने लगेंगी और इसके इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड बह रही है तो इसकी जगह पर नॉर्थ ईस्ट बह रही है और इस तरीके से मानसून की उत्पत्ति। कुल मिलाकर के फ्रॉन ने दो बातें बताई, पहली थ्योरी उन्होंने बताई कि आईटीसीजेड पूरा का पूरा खिसकता है और आईटीसीजेड के खिसकने के कारण साउथ ईस्ट विंड साउथ वेस्ट बनकर के बहने लगती है। यानी पहली थ्योरी में उन्होंने बताया कि इंडिया में जो मानसून आते हैं तो ये वाली विंड कहां से आई, उन्होंने बताया कि ये वाली विंड सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ ईस्ट विंड है जिन्होंने इसको क्रॉस किया और साउथ वेस्ट बन गया। ये पहली थ्योरी। फ्रॉन दूसरी थ्योरी क्या है कि कोई सदर्न हेमिस्फीयर की कोई भी विंड इक्वेटर को पार करके नॉर्थ में नहीं पहुंचती बल्कि डोलड्रम के बीच में ये जो वेस्टर्लीज विंड्स बहती हैं यही विंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाती है और यही मानसून का कारण है। हालांकि इन दोनों थ्योरीज में जो पहली थ्योरी है
वो ज्यादा वैलिड है, दूसरी थ्योरी में थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि ये इतनी वीक विंड्स होती हैं कि ये इतनी लंबी ट्रैवल करके और भारी मात्रा में पूरे इंडिया में बारिश कर दे, ये थोड़ा सा पॉइंट जस्टिफाई नहीं होगा। इसलिए पहली वाली थ्योरी पे ही हमें ध्यान देना है कि ITCZ के खिसकने से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर पार करके साउथ वेस्ट बनती है और भारत में पूरे समर सीजन में बारिश करती है, और जैसे ही विंटर आता है तो विंटर आने के कारण नॉर्थ ईस्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ITCZ पीछे नॉर्थ में लगता है, पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बहने लगती है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लैंड से होकर बहती है, इसलिए जब नॉर्थ ईस्ट विंड यानी कि जब विंटर सीजन होता है इंडिया में तो कहीं पर भी बारिश नहीं होती। यही मानसून की खासियत है। मानसून क्या खासियत है? वेट समर ड्राई विंटर, माने समर में बारिश होगी, विंटर में बारिश नहीं। इज इट क्लियर? ये ITCZ थ्योरी आपको समझ में आ गया, ये है फ्लोर की थ्योरी। यहां तक आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब हम आगे अगली थ्योरी पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो कि एम टी गिन ने दिया है, इसके बारे में हम थोड़ी देर से।